ये बीच में वीडियो बंद हो गया था अभी। अब यहाँ पे देखिए आप, घोड़ा, घोड़े की मेटाकार्पल अस्थि की बात करें अपन, तो घोड़े में मेटाकार्पल अस्थि की संख्या 3 होती है। घोड़े की मेटाकार्पल अस्थि लंबी, बेलनाकार और मोटी हड्डी होती है। इसके मध्य में किसी भी प्रकार का कोई ग्रुव या खांच नहीं पाई जाती है। जो गाय की मेटाकार्पल अस्थि होती है, उस गाय की मेटाकार्पल अस्थि की एंटीरियर सतह के मध्य में वर्टिकल वेस्कुलर ग्रुव पाई जाती है, लेकिन घोड़े की मेटाकार्पल अस्थि के मध्य में किसी भी प्रकार की कोई ग्रुव नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, घोड़े में एक बड़ी मेटाकार्पल अस्थि होती है, उसके दोनों तरफ एक एक छोटे मेटाकार्पल अस्थियां पाई जाती है। ये छोटे मेटाकार्पल अस्थि तीसरी और चौथी मेटाकार्पल अस्थि को दर्शाती है। और घोड़े में छोटी मेटाकार्पल अस्थि हैं, उनको अपन स्प्लिट बोन बोलते हैं, स्प्लिट बोन। और जो बड़ी मेटाकार्पल अस्थि है, उस बड़ी मेटाकार्पल अस्थि को कैनॉन बोन कहा जाता है। नेक्स्ट आपके कुत्ता, कुत्ते में मेटाकार्पल अस्थियों की संख्या 5 होती है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कुत्ते में मेटाकार्पल बोन की संख्या 40 होती है, तो कुत्ते में मेटाकार्पल बोन की संख्या 5 होती है। कुत्ते में प्रथम मेटाकार्पल सबसे छोटी होती है, तीसरी और चौथी मेटाकार्पल सबसे लंबी होती है, और दूसरी एवं पांचवी मेटाकार्पल अस्थि है जो देखने में लगभग एक जैसी होती है। और कुत्ते की प्रत्येक मेटाकार्पल अस्थि पर 2 सिसामोइड बोन पाई जाती है। तो ये हो गया डॉग के बारे में। नेक्स्ट है पिग या सुअर, सुअर में मेटाकार्पल की संख्या 4 होती है, जिसमें से प्रथम मेटाकार्पल अनुपस्थित होती है, दूसरी और पांचवी मेटाकार्पल छोटी होती है, तीसरी वे चौथी मेटाकार्पल बोन है जो पूर्ण विकसित एवं लंबी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मुर्गे की, तो मुर्गे में मेटाकार्पल बोन की संख्या 3 होती है। मुर्गे में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 मेटाकार्पल अस्थियां पाई जाती है, और ये तीनों मेटाकार्पल अस्थियां हैं जो कार्पल अस्थि की दूसरी पंक्ति से फ्यूज्ड होकर एक अंग्रेजी के डी के अक्षर की आकृति बनाती है, और उस आकृति या संरचना को कार्पो मेटाकार्पस कहते हैं। कार्पो मेटाकार्पस क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पे कार्पल और मेटाकार्पल दोनों अस्थियां आपस में फ्यूज होकर एक डी शेप संरचना बनाती है, और उसके कारण इसको कार्पो मेटाकार्पस कहते हैं। ये कार्पो मेटाकार्पस नामक संरचना है जो केवल मुर्गे में पाई जाती है, नहीं तो ये संरचना गाय में पाई जाती है, नहीं भेड़ बकरी में पाई जाती है, नहीं घोड़ा, कुत्ता, सुअर इनमें पाई जाती है। ये कार्पो मेटाकार्पस नामक संरचना है जो केवल और केवल मुर्गे में पाई जाती है। तो ये आपके गाय, भैंस, भेड़ बकरी, घोड़ा, कुत्ता, सुअर और मुर्गे की मेटाकार्पल अस्थि है, इनके बारे में अपन ने पढ़ लिया। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि गाय की मेटाकार्पल अस्थि की तुलना घोड़े और कुत्ते की मेटाकार्पल अस्थि से कीजिए। तो सबसे पहले अपने को जो गाय की मेटाकार्पल अस्थि में संरचनाएं पाई जाती हैं उनके बारे में लिखना है, उसके पश्चात घोड़े में ऐसी कौन सी संरचना है जो घोड़े की मेटाकार्पल अस्थि को गाय की मेटाकार्पल अस्थि से अलग करती है या उसकी पहचान कराने में सहायक होती है, उसके पश्चात अपने को कुत्ते की मेटाकार्पल अस्थि के बारे में लिखना है। इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन है जो आपके संख्या का पूछा जाता है कि गाय में मेटाकार्पल की संख्या होती है 2 होती है, घोड़े में 3 होती है, कुत्ते में 5 होती है, सुअर में 4 होती है और मुर्गे में 3 होती है। एक ही कार्पो मेटाकार्पस है, इसकी भी कई बार डेफिनेशन के रूप में पूछा जाता है कि कार्पो मेटाकार्पस किसे कहते हैं। तो मुर्गे में मेटाकार्पल अस्थियां आपस में फ्यूज होकर कार्पल बोन की द्वितीय पंक्ति से जुड़ती है और एक डिश डी की आकृति की संरचना बनाती है और उसे कार्पो मेटाकार्पस कहते हैं। इसके अलावा सुअर में आपको पूछेगा तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सुअर में कौन सी मेटाकार्पल अस्थि अनुपस्थित होती है, तो सुअर में प्रथम मेटाकार्पल अस्थि है वो अनुपस्थित होती है। सबको पता होता है कि गाय के मेटाकार्पल में ये होता है, कुत्ते के में होता है, सुअर के में होता है, ऐसे सीधा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको ये पूछेगा कि कौन सी संरचना अनुपस्थित होती है किसमें, और किसमें ऐसी कौन सी अतिरिक्त संरचना है जो पाई जाती है।
अब इसमें एक किनारा है, दो सतह है, तीन बॉर्डर है, ये सब में होता है। गाय की ऊंच, कुत्ते की ऊंच, घोड़े की, सब में पाया जाता है। तो इसके बारे में आपको नहीं पूछना, उसी संरचना के बारे में या क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा जो स्पेशल उसी स्पीसीज में पाया जाता है। जैसे मान लो कि संख्या पूछे तो मेटाकार्पल की संख्या सब पक्षियों में अलग अलग होती है। कुत्ते में 5 है, सुअर में 4 है, घोड़े में 3 है। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपके जो मेटाकार्पल अस्थि है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में अपन डिजिट या फेलिंजियंस के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।